जिस जमीन के ऊपर बदकारी होगी वो जमीन खून से पाक होना चाहती है और उस खूनेजी को कोई रोक नहीं सकता। ये लॉज ऑफ नेचर है, अदालत का फैसला नहीं है, फितरत का फैसला है। दो कानून है कुदरत के यहाँ, एक फितरत एक शरीयत। शरीयत में रहम है, फितरत में रहम नहीं। जो दुनिया में करोगे वैसा भरोगे, ये कानून फितरत है। बाप को गालियां दोगे बेटा तुम्हें गालियां देगा, माँ को घर से निकालोगे इंशाल्लाह बड़ा बेटा आपको निकालेगा। ये लॉज ऑफ नेचर है। शराब पियोगे गुर्दा खराब होगा, ये नामुमकिन है कि कोई शराब पिए और सेहतमंद रहे। लॉज ऑफ फितरत के अंदर बख्शिश नहीं है, इसमें रहम नहीं है। शरीयत के कानून में मगफरत है, वो चाहे तो तुम्हारे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह उन्हें माफ कर दे तो बस शरीयत माफ कर सकती है। मगर कुदरत के निजाम में, नेचर के निजाम में अगर कोई कौम गाफिल है, सुस्त है, जाहिल है तो समझ लीजिए कल वक्त उससे इंतकाम लेगा। इसलिए कि जमीन सुस्ती को गवारा नहीं करती। वो तमाम पौधे सूख जाते हैं जो सुस्ती से चलते हैं, वो दरख्त सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं हुआ करते, वो जानवर ही बाकी रहेंगे जो मुफीद मतलब है, जो काम के नहीं है वो डायनासोर की तरह मिट जाएंगे। लॉज ऑफ नेचर है, इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा, जो मेहनत जिसके बाजुओं में होगी वही जिएगा। नाकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखा जाता और कांपने वाले कदम कभी तख्त के ऊपर नहीं बैठा करते। मार्केटें उनकी हाथों में नहीं होती जो 11 बजे दुकान पर बैठे हुए घूमते रहते हैं। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहाँ इंतकामी कार्रवाइयां हैं, यहाँ गफलत की सजा मौत है।